क्योंकि चमत्कार का और परमार्थ का
परस्पर कोई संबंध नहीं है, ये तो जादूगरी है। वो गृहस्थ गए, एक फूलों का गुच्छा उनको भेंट किया। वो तो महाराज बड़े बड़े भूत प्रेत सब उनकी सेवा में रहते थे। उन्होंने बता दिया कि इस समय इनके मन में क्या चल रहा है। भूत भूत को जान लेता है बोला, और वर्तमान में भी मनुष्य के मन में क्या है ये भी ही वो तादात्म्य करके बता सकता है। परंतु 5 मिनट बाद क्या होगा ये बात भूत को मालूम नहीं पड़ेगी। बुद्धिमान हो तो अनुमान लगा सकता है, संयोग वश उसकी बात पूरी भी हो सकती है। ये बहुत छाया माया करने वाले लोग होते हैं ना, तो संसारी लोग तो समझते नहीं कि क्या है क्या नहीं है। उनके हाथ में जाके गुलदस्ता दिया, फूलों का गुच्छा दिया, लेकिन वो हाथ में देखने लग गए। तो 5, 7, 10 मिनट तक वो फूलों का गुच्छा ही निहारते रहे। तो गृहस्थ ने कहा, स्वामी जी आप मेरी ओर भी देखिए जरा नजर उठा के, आज तो फूलों का गुच्छा ही देखने लग गए। इससे तो अच्छा होता मैं न देता आपके हाथ में, तो मेरी ओर तो देखते। तो स्वामी जी बोले कि अच्छा ले भाई, तेरा फूल का गुच्छा गुलदस्ता फेंक देते हैं, अब तेरी ओर देखते हैं। बोला नहीं नहीं महाराज, मैं बड़े प्रेम से ले आया हूँ, बढ़िया से बढ़िया फूलों का गुच्छा बनाया है आपके लिए, ये कोई मतलब आप इसको फेंकिए मत। तो बोले फिर क्या करें। तो बोले थोड़ा इसको देखिए, थोड़ा मुझको देखिए, दोनों को देखिए, कला को भी देखिए, कलाकार को भी देखिए, बगीचे को भी देखिए, बगीचे के मालिक को भी देखिए। उसने कितनी बुद्धि से, कितने विचार से, कितने ज्ञान से, कितना आनंद भर के ये सृष्टि बनाई है, और आप उसकी रचना की उपेक्षा कर देते हैं, अवहेलना तिरस्कार। और कभी कभी उसकी रचना देखने में इतने लग जाते हैं कि बनाने वाले कलाकार की याद ही नहीं आती। तो आप गीता को भी देखिए और गीताकार को भी देखिए। ये गीता श्री कृष्ण के जीवन की, उनके अनुभव की कोठी है। तो आप गीता की कोई भी बात श्री कृष्ण के जीवन के साथ जोड़ के देख सकते हैं। आप कहते हैं हमारे जीवन में दुख ना आ रहा, जब आपका जीवन है तो दुख क्यों ना आ रहा? ऐसा कोई जीवन, कोई शरीर होता है जिसमें दुख ना आता हो? क्या राम के जीवन में दुख नहीं है? क्या कृष्ण के जीवन में दुख नहीं है? क्या विष्णु के जीवन में दुख नहीं है? एक तो श्लोक है विष्णु के बारे में, हो दर्शन दर्शन सबरी है चरिता दारुभूतो मुरारे। भगवान ने अपने घर गृहस्थी की ओर जब नजर डाली तो देखा कि एक पत्नी है सरस्वती, तो दिन रात बोलती रहती है, हैग्रीव की पत्नी है, मुखरा बस बरसती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, जबान बंद नहीं होती। अब घर में कुशल कैसे रहे? चंचलाचक द्वितीया, दूसरी है लक्ष्मी,
और उनको अपने घर में अच्छे ही नहीं लगता, घर घर घूमती रहती है। एक का पुत्र एक बेटा है उनके घर में, तो महाराज उसका नाम है काम मनमत। उसने तीनों लोक जीत लिया और भगवान की बात भी नहीं मानता, उसे मना किए भी ऐसा बेटा पैदा हुआ मनमतो दुर्निदा रहा, वो अपने बाप की बात भी नहीं मानता। सोने के लिए पलंग बोले सांप की, पानी से चारों ओर से भी घिरा हुआ, पता नहीं कब बाढ़ आ जाए। और सवारी के लिए न हाथी मिला न घोड़ा, चिड़िया पर होना पड़ता है। तो दर्शन दर्शन सगृह चरितम दारू गुंडो भरा रहे। अपने घर की हालत देख करके विष्णु भगवान लकड़ी के बन गए हो, लकड़ी के बन के जगन्नाथपुरी में बैठ गए। भगवान ने कहा यदि हम शीतल बन के रहेंगे तो ये घर का जो उत्पात है उपद्रव है दिन रात का, ये सहन नहीं होगा। तो अपने घर के उपद्रव के डर से विष्णु भगवान लकड़ी के बन के बैठ गए। लकड़ी के कृष्ण भगवान को मथुरा छोड़नी पड़ी, गोकुल छोड़ना पड़ा, वृंदावन छोड़ना पड़ा, मथुरा छोड़ना पड़ा। जाके महाराज समुद्रम शरणं गतः, समुद्र में रहना पड़ा। तो जीवन में दुख आते हैं, हार भी होती है, भूखे भी रहना पड़ता है, अपमान भी सहना पड़ता है, जाली भी सहनी पड़ती है। देखो अपहरण हो गया, दो बार अपहरण हुआ श्री कृष्ण के घर में, जहाँ चक्र पहरा देता है बेटे को प्रद्युम्न को सौरी में से हर के ले गया संबरासुर, और जवान पोते को हर के ले गए चित्रलेखा, उषा के महल में ले जाके डाल दिया। लड़ाई हुई हो बेटा नाती दोनों के लिए लड़ाई करनी पड़ी, कहीं हार के भागना पड़ता है, कभी पहनने को कपड़ा नहीं, कभी जूता नहीं, कभी भूखे रहना पड़ता है। सब बात है, कोई जहर पिलाने वाला आ जाता है। देखो श्री कृष्ण के जीवन में उनके बेटे नाती पोते क्या उनकी बात मानते थे, उन्होंने बहुत मना किया, शराब मत पियो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। पर प्रभात क्षेत्र में पी पी के मतवाले हो गए और बलराम श्री कृष्ण को ही मारने के लिए टूट पड़े, ये बात कहा गया। तो देखो ऐसे जीवन से जन पैदा हुए जेल खाने में, और जब अपने धाम में जाना हुआ तो पहेलिए ने पांव में बाण मारा, कोई उनके साथ नहीं हो, न माँ बाप काम आए, न श्रीमती काम आई, न इतने 2.5 लाख बेटे काम नहीं आए, 16,000 पत्नी काम नहीं आई, भाई काम नहीं आया। ये संसार का नंगा रूप है। आप जब उनके जीवन की ओर देखेंगे और उनकी शिक्षा देखेंगे, दुखे स्वनुद्विग्न मना, दुखे में दुख मत मटा बिठाओ, दुख सारे आते हैं तो आने दो, वर्षा होती है होने दो, गर्मी पड़ती है पड़ने दो, ठंड आती है आने दो, ये तुम्हारे बस में, जैसे गर्मी सर्दी और वर्षा रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है, आधी तूफान रोकना जैसे तुम्हारे हाथ में नहीं है, वैसे जीवन की परिस्थितियों को बदल पाना सर्वथा शक्य नहीं है। तब क्या करना, बोले अपने मन को ही बदलना, अनुद्विग्न मना, ये गीता की शिक्षा है। दुख से अनुद्विग्न मना, सम दुख सुखा, शीतोष्ण सुख दुखे तु समा, गर्मी पड़े सर्दी पड़े सुख आवे दुख आवे,
तुम अपना संतुलन मत हो, अपने मन को संतुलित रखो बिल्कुल बराबर। अरे ये तो होता ही रहता है, बच्चा रात का अंधेरा देख के रोता है और प्रातः काल सवेरा देख करके खुश होता है। कौन है दुनिया में ऐसा जिसके जीवन में सुख ही सुख हुआ हो, दुख न हुआ हो। कस्यै कान्तं सुखम उपनतं दुःखम एकान्त शोभा, नीचे इर्गच्छत्य उपरि च दशा चक्रमेव करवेण। कालिदास बोलते हैं किसके जीवन में केवल सुख ही सुख हुआ हो, कौन है ऐसा जीवन जिसमें सुख ही सुख हुआ हो, या कौन है ऐसा जीवन जिसमें दुख ही दुख हुआ हो। नीचे इर्गच्छत्य उपरि च दशा चक्र में निष्क्रमेण, रथ का पहिया नीचे ऊपर होता रहता है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। एक कथन चला गया रोने सत्संग में महात्मा से, उसने पूछा कि महाराज भगवान ने हमारा धन क्यों छीन लिया। अरे बाबा तू बड़ा भाग्यवान है, समझता नहीं, लोग अपने आप धन छोड़ छोड़ के सन्यासी होते हैं और भगवान ने तुमको अपने हाथ से सन्यासी बनाया, सन्यास की दीक्षा दी। तुम्हारे परिवार के लोग नहीं रहे, तुम्हारा धन नहीं रहा, मकान नहीं रहा, तो जैसे सन्यासी लोग मस्त जीवन व्यतीत करते हैं वैसे तुम भी क्यों नहीं व्यतीत करते। तो वो मस्ती तो मन में होती है, उस मन को अपने मन को ठीक रखना ये अध्यात्म शास्त्र का सार है। दुनिया ठीक रहे ये भौतिक बात में है, ये संसारी दृष्टिकोण है कि हम पैसे को ठीक रखेंगे तो सुखी रहेंगे। अरे आप अपने को ठीक कर लो, पैसा रहे कि जाए, तुम ठीक हो तो तुम्हें रोटी मिलेगी, तुम्हें कपड़ा मिलेगा, उसकी जिम्मेवारी है। ऐसा राज्य है भगवान का, ईश्वर राज्य, कि वो अपने राज्य में किसी को भूखा नहीं रखता। तो सब लोग रोटी के लिए दुखी क्यों होते हैं, नेता लोग तो बड़ा भारी कोलाहल मचाते हैं, अखबारों में छपता है, बड़े बड़े चंदे होते हैं गाय के लिए, रोटी के लिए नहीं होता, हमको गेहूं की रोटी मिले इसके लिए होता, टुकड़ी मिले इसके लिए होता, कपड़ा सबको मिलता है वो, पर हमको बढ़िया से बढ़िया कपड़ा नहीं मिल रहा इसका दुख होता है। तो दुख कपड़े के अभाव का नहीं है, अन्न के अभाव का नहीं है, ये हमको हाथ क्यों नहीं जोड़ते। तो अपने ही मन अपने को दुख देता है, सुखस्य दुखस्य न को भी दाता, कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, अपना मन ही है। मन परम कारण मामनंति, आप 11वें स्कंद का भागवत के 11वें स्कंद का 23वां अध्याय कभी पढ़े हैं, बोला 23वां अध्याय, न ग्रह दुख देता है, न कर्म दुख देता है, न काल दुख देता है, न पड़ोसी दुख देते हैं, दुख देने वाला सुख दुख प्रदो नान्या, दूसरा कोई सुख दुख देने वाला है ही नहीं। सब क्या है, पुरुष की आत्म विभ्रमा, मनुष्य के मन की जो भूल है वो भूल सुख देती है, दूसरा कोई नहीं देता है। मित्रो दासीन रिपव संसार तमसा करता, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ये संसार हमारा बनाया हुआ है, हम अपने बनाए हुए को दुख देने वाले को हम चाहे तो दुख देने वाला मान लें। किसी से पहले उम्मीद की कि ये 5 रुपया देगा,
और उसने चार दिया, तो चार देने का सुख नहीं होगा, हो एक न देने का दुख हो जाएगा। ये दुख अपने मन का बनाया हुआ है, हैं? और उसने बड़े उल्लास में आके दिया पांच, और हमने कहा अरे पांच ही राम राम, बोले बस पानी पड़ गया उसके दिमाग पर, पानी पड़ उसको ये उत्साह नहीं होगा कि ये देखो हमसे और दिलवाना चाहते हैं, ये नहीं ख्याल होगा। ये ख्याल होगा कि ये हमारे दिए हुए को कम समझते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं है इनके मन में, इज्जत नहीं है मन में। तो आदमी का मन ही संसार में सुख दुख बनाता रहता है। तो मन को ठीक करना ये गीता का काम है, भागवत का काम है, उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र का, वेद का, शास्त्र का, हम उपदेश जितना होता है वो हमारी भूल मिटाने के लिए, हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए होता है। तो बोले भाई ये भी तो होता है कि ये करो ये मत करो, अब बोले नहीं ये करो ऐसा ज्ञान ही शास्त्र देता है, हाथ पकड़ के वो काम नहीं करवाता, तुम करो चाहे मत करो शास्त्र तो ज्ञान देगा। शास्त्र तुम्हें रास्ता भूल गया है तो बता देगा, अब चलो कि मत चलो। इसी से बोलते हैं कि जितनी धातु है संस्कृत में व्याकरण के, व्याकरण में जो धातु माने जाते हैं वो सब धातुएं ज्ञानार्थक होते हैं, सबका अर्थ यही है कि इस बात को समझो, करो माने कर्तव्य है ये जानो, ऐसा शास्त्र बोलता है। तुम्हारे हाथ पकड़ के शास्त्र काम नहीं करावेगा, वो तुम्हें ज्ञान देगा, फिर उस ज्ञान के अनुसार तुम चलो करो बोलो खाओ पियो, उसमें स्वातंत्र होता है। पहले ये समझो कि शास्त्र होते किस लिए हैं, क्या तुम्हारी भूल सुधारने के लिए, अविद्या की निवृत्ति के लिए, और ज्ञान का दान करने के लिए, ज्ञान देने के लिए शास्त्र होता है। अब आप देखो किसी से कुछ कहा गया बाबा पांच रुपए छोड़ दो, तो जिसके पास पांच रुपया होगा वही ना छोड़ेगा, और जिसके पास नहीं होगा तो वो कहाँ से छोड़ेगा। ऐसा पांच रुपया हो भी और आसक्ति हो बहुत, छोड़ने का न मन हो तो तुम्हारे कमरे से वो छोड़ देगा। और हमारे गांव में तो बोलते हैं मैं मर गई हूँ तो है न हो गई, तो का देख देख गहरा हो गई हूँ, हाथ में रुपया दे लिया तो जीत गया। बोले अरे भाई मैं तो तुमको सुना के कुछ खरीदने जा रहा था पर तुम मुझसे अलग जाने में रो रहे हो, अच्छा जब तुम्हारा हमसे इतना प्रेम है कि हमसे अलग जाने में तुम रोते हो तो मैं मर गई हूँ तो है ना, मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें सुनाऊंगा नहीं। तो का देख देख जियरा दे रहे हूँ, तुमको देख देख के हम अपने हृदय को शांति देंगे, लो कि नहीं छोड़ना चाहते हैं उनको दान की महिमा सुना के क्या करोगे। तो शास्त्र भूल को मिटाता है और भूल मिट जाने पर मनुष्य को स्वतंत्र कर देता है कि तुम इसके अनुसार काम करो कि मत करो। लो भाई तो अब अर्जुन के साथ इस प्रश्न को जोड़ो, अर्जुन बहुत धर्मात्मा है, धर्मनिष्ठ है, कमाऊ बेटा है, कमाऊ अर्जुन जो है वो कमाऊ बेटा है। वो संस्कृत में अर्जुन शब्द का अर्थ होता है
अर्जनाद धनंजय, अर्जनाद अर्जुन धनंजय, धनार्जन करने वाला। तो धन माने नोट रुपया पैसा वीरा मोती, ये तो लौकिक बात है। धन माने जो ज्ञान धन साधन धन, और जो साधन का धन ज्ञान का धन जो उपार्जन करे उसका नाम होता है अर्जुन। ये अर्ज धातु से ही अर्जुन शब्द बनता है। नीलकंठ ने इसकी व्याख्या की है ऋजुत्वात् अर्जुन, जो बहुत ऋजु सरल चित्त का हो उसको बोलते हैं अर्जुन। वो धर्मनिष्ठ है, उसको यही मन में प्रश्न उठ गया कि जो हम युद्ध कर रहे हैं वो धर्मानुकूल है कि नहीं है। ये नहीं कि लाठी लेके चले हो, बाबा यहाँ कोई बैठे हो तो माफ करें, हमारे गांव की ओर अब पहले की बात है, हमारे बचपन की एक अहीर जाति हुआ करते थे, अहीर जाति। अब उन लोगों ने शायद अपना नाम कुछ थोड़ा बहुत बदल दिया है, क्योंकि अखबारों में जो नाम फंसता है वो अहीर नहीं फंसता है, यादव फंसता है, यादव वाला अहीर यादव। उनमें ये रिवाज थी कि रात को कोई अहीर यदि लाठी लेके आवे और सोते हुए को लाठी से जरा तक छोड़ते तो सोता हुआ आदमी उसके लाठी लेगा, वो भी लाठी लेगा और उसके पीछे पीछे चल पड़ेगा। 10-20-50 इकट्ठे हो जाए और चाहे जहाँ जाके जो उपद्रव मचा दे, अगला जो कहेगा पहले वाला वही सबको करना पड़ेगा। अब जब दूसरे दिन पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या किसका नुकसान किया है, तब फिर पंचायत बैठेगी गुप्त रूप से कि तुमने हमसे ये गलत काम क्यों करवाया। लेकिन करने के समय महाराज बिल्कुल नहीं पूछते थे कि तुम किसको मारने के लिए, किसको लूटने के लिए, कहाँ आग लगाने के लिए ले जा रहे थे। ये बात मैं 50-60 बरस पहले की कह रहा हूँ। अब तो लोग बड़े पढ़े लिखे हो गए, उन्नत हो गए, ऊँचे ऊँचे पदों पर पहुँच गए, उनमें बहुत सुधार हो गया। अब की बात नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो अर्जुन क्षत्रिय था, बड़ी धर्मनिष्ठा उसके अंदर, धर्म क्षेत्र में रथ पर चढ़ के आया था। ये नहीं कि किसी के पीछे चले और चाहे जो कर ले, कोई किसी ने कह दिया तो बोले इन्होंने ऐसा कहा इसलिए हमने कर दिया। बड़ा विचारवान था, उसके मन में दुविधा ही क्या थी कि देखो युधिष्ठिर तो युद्ध कर रहे हैं और श्री कृष्ण हमारे सारथी बन के आ रहे हैं, फिर भी ये युद्ध करना धर्म है कि नहीं, ये प्रश्न था अर्जुन के मन में। इतना बड़ा धर्मात्मा बोले अरे युद्ध में तो सब मर जाएंगे, तो भाई धर्म युद्ध है क्षत्रिय का, मरेंगे तो मरने दो। बोले स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, भाई क्षत्रिय मरते हैं तो स्त्रियां विधवा होती हैं, कब फिर भ्रष्ट हो जाएंगी, कब भ्रष्ट हो जाएंगी तो वर्ण संकर हो जाएगा तो सब पतित हो जाएंगे, सब नरक में जाएंगे। देखो ये है अर्जुन का धर्मानुसार मनोराज्य, धर्म वीरुता, हम कहीं धर्म भ्रष्ट न हो जाए। बड़ा भारी धर्म का प्रेमी है अर्जुन, ऐसा वैसा मत समझना, ऐरा गहरा न सुखेरा नहीं है, बड़ा धर्मात्मा है वो, धर्मनिष्ठ है। श्री कृष्ण ने पूछा दुविधा क्या है भाई तुमको, सभी तो जिनके लिए हम अपने लिए तो युद्ध करना नहीं चाहते, दुर्योधन तो अपने लिए युद्ध करना चाहते हैं, स्वार्थी हैं, आपको मालूम नहीं है। प्राणा त्यक्त्वा अनानित ये सब मदर्थे त्यक्त जीविता,
मेरे लिए सब मरने को आए हैं, मेरा राज्य हो सब लोग मरे कोई परवाह नहीं है, दुर्योधन धर्मनिष्ठ नहीं है। पर अर्जुन कहता है जीता मरते काम से कम लो, हम तो इन्हीं के लिए राज्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भोग चाहते हैं, यही मर जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। ये है अर्जुन की धर्मनिष्ठा। इसलिए जब श्री कृष्ण ने उसको डांटा कि तुम नपुंसक क्यों हो रहे हो और उस क्यों नहीं करते हो, नपुंसक मत बन, उसने प्रश्न ही यही किया। धर्म सम्मूढ चेता कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृष्ठानितवान धर्म सम्मूढ चेता, धर्म के संबंध में मेरा ज्ञान मूढ़ हो गया। चेतस माने ज्ञान होता है और मूढ़ माने भटक गया है, वो अटक गया है, भटक गया है, गर्भो मूढ़ा, मोहग्रस्त हो गया है। दाहिने की बाएं किधर जाए, हम आके चौराहे पर खड़े हैं, हमारे जाने का रास्ता कौन सा है, कर्तव्य हमारे लिए क्या है। बड़ा भारी धर्मनिष्ठ था, यहाँ तक कि एक आध बार तो कृष्ण की भी नुक्ता नहीं कर दी, तदेकम वदनिश्चित्य तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयति केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, मेरी बुद्धि में व्यामोह उत्पन्न क्यों करते हो, श्री कृष्ण पर ही आक्षेप कर दिया हो। इतना धर्मनिष्ठ अर्जुन, तो अर्जुन को युद्ध से विमुख कौन कर रहा था, धर्म विषयक, धर्म विषयक दृढ़ आग्रह। श्री कृष्ण ने भी कहा हाँ बेटा वो सब है, हो बेटा भी है, बाप भी है, भाई भी है, चचा भी है, शिष्य भी है, वृत्त भी है, बोले ठीक है जी तुम्हारी धर्म निष्ठा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुमको धर्म का ज्ञान है। बोले हमारी धर्म निष्ठा गलत है क्या, गलत नहीं, स्वधर्म धर्म प्रजा पर धर्मो है, वह अपने धर्म में स्थित होकर मर जाना अच्छा है। बोले वही तो समझ में नहीं आता, बोले समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो भाई, अपनी पकड़ कभी कभी ऐसी गलत होती है, अपनी बुद्धि अपने को धोखा देती है, अपना कर्तव्य अपने को नहीं सीखता है, अपनी शकल बहुत धोखा दे, सबसे ज्यादा पास रह के सबसे बड़ी दुश्मन अपनी बुद्धि है, और खास करके तब जब उसमें कोई आवेश आ जाता है, उसी समय ईश्वर की आवश्यकता होती है, धर्म की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। बाइबल ने कहा ईश्वर एक गड़ेरिया की तरह है, वो खेत चलाने वाला गड़ेरिया की तरह, वो अपने खेड़ों की देखभाल करता है, जीवों की देखभाल करता है, खास करके उस समय जब वो भटकने लगते हैं, है ना। ईश्वर गणेरिये की तरह है, वो अपने भेड़ों की देखभाल करता है, खास करके उस वक्त उस समय जब वो भटकने लगते हैं, तभी उसकी जरूरत होती है। देखो अर्जुन अपने ज्ञान में भटक गया, भगवान ने कहा अच्छा भाई तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान है, उसकी बुद्धि पर तो शुरू शुरू में ही प्रहार किया था कृष्ण, अयोध्यानंद होते बड़े बुद्धिमान बनते हो, ये कोई पांडित्य है, ये कोई बुद्धिमत्ता है, गतासु न गतासु नानु शोधन की पंडिता, शोक पंडित का धर्म नहीं है, शोक करना ये बुद्धिमान का धर्म नहीं है,
पंडित का धर्म नहीं है, तुम तो शोक अनुशोक में लग गए हो, नानुशोक तुम्हें रहती, शोक मत करो। बहुत समझाया, बहुत समझाया। यहाँ तक कहा कि अच्छा भाई ईश्वर की शरण में हो जाओ, और जो करावे तो करो। बोले वही तो समझ में नहीं आता है कि ईश्वर क्या कराना चाहता है। दुर्योधन में भी तो ईश्वर है, अन्य भी तो ईश्वर है, उससे भी करा रहा है, हमसे भी करा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा है वो एक पांडव गीता नाम की पुस्तक है, उसमें दुर्योधन का वचन है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिः, तेनापि देवेन अभिष्टेन यथा युक्तोऽस्मि तथा करोमि। वो कहता है कि मैं धर्म को जानता हूँ पर धर्माचरण मुझसे हो नहीं पाता, मैं अधर्म जानता हूँ पर उसको छोड़ नहीं पाता। वैसे हो तुम कृष्णा तो यही बदेवे न तुम ही बैठे हो मेरे दिल में कृष्णा, तुम मुझसे बुरे काम करवा रहे हो, तुम जैसा कराते हो काम करते हमारा क्या दोष है। लो महाराज दुर्योधन भी यही कहता है कि हमारे साथ भगवान की प्रेरणा है, लेकिन प्रेरणा समझने में बड़ी भूल होती है। हमारा काम है कि प्रेरणा, हमारा क्रोध है कि प्रेरणा, हमारा लोभ है कि प्रेरणा, हमारा मोह है कि प्रेरणा, हमारा पक्षपात है कि प्रेरणा है। हमारी बुद्धि तो झुक गई है, तराजू बराबर है नहीं, प्रेरणा का ग्रहण कहाँ से होगा। मुहम्मद ने कहा हमको पूर्ण प्रेरणा हो रही है, राम हो रहा है। सीता ने कहा हमको इलाम हो रहा है। हमारे भिन्न भिन्न आचार्यों ने कहा हमको भगवान आज्ञा दे रहे हैं। अरे महाराज ये परस्पर विरुद्ध आज्ञा है, ये कैसे ईश्वर में थोड़ी थोड़ी तुम लोगों की वासना उसमें मिली हुई है, वासना मिली हुई है, ईश्वर की आज्ञा कैसे पहचानोगे, ईश्वर की आज्ञा कौन सी है। आखिर निर्गुण निराकार निर्विकार परमेश्वर को, सम परमेश्वर को आज्ञा देने की जरूरत भी क्या पड़ी है। तुम्हारे क्या ऐसे सुरखाप के पर लगे हैं कि तुमको ईश्वर आज्ञा देने आता है और दूसरों को नहीं देता है। बोले नहीं नहीं ईश्वर की प्रेरणा, कहाँ तुमको अभिमान है कि हमारे सुरखाप के पर लगे हैं, हमको ईश्वर आज्ञा देता है दूसरों को नहीं देता है। अरे तुम अपने अभिमान को तो देखो, कि समझते हो कि दूसरे को ईश्वर आज्ञा नहीं देता, हमको ईश्वर आज्ञा देता है। बड़ी भारी बात होती है, तो ईश्वर की प्रेरणा समझना भी सबके मान की बात नहीं है, सबके बस की नहीं। और ईश्वर प्रेरणा देता है स्वतः अपने संकल्प से, तो बोले उसमें संकल्प भी है कि नहीं, ये जानकारी जो है वो बहुत मुश्किल है। अप्राणो यमुना सुद्रा, ईश्वर में न क्रिया शक्ति है, न ज्ञान संकल्प शक्ति है, न माया शक्ति है, ऐसे भी श्रुति बोलती है। अप्राणो यमुना सुद्रा माया शक्ति से भी रहित है, और एक और बोलते हैं सत्य संकल्प सत्य काम सत्य संकल्प। तो दरअसल क्या है ईश्वर में, ये तो जब तक महापुरुष की शरण ले करके और अपने मन को उधर नहीं लगाओगे तब तक बाबा मालूम नहीं पड़ेगा। इसी से जब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम करो विचार, बुद्धि तुम्हारी, इच्छा तुम्हारी और क्रिया तुम्हारी, तो अर्जुन को बिल्कुल ही अरुचि हो गई। ये जो समझा रहे हैं उसमें हमारी समझ अगर बताती तो हम काहे को इनसे पूछते, रोते काहे को, कर प्रकार पड़े दोस्तों स्वागत स्वभाव हमारे मन से ही करना होता तो हम इतना बड़ा गीता का उपदेश सुनते क्यों। जो
करना होता तो ही करते तो नहीं। अर्जुन कहता है कल्कि वचनम तव, हमको ये नहीं गतिपति तथा गुरु नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए कल्कि वचनम तव, मैं अपने मन की आज्ञा नहीं मानूंगा, तुम्हारी आज्ञा मानूंगा। प्रपन्न, मैं प्रपन्न हुआ हूँ, अरे तेरी प्रपत्ति अधूरी अर्जुन, आज क्या प्रपन्न हुआ, प्रपन्न मैं तुम्हारा पाँव पकड़ के बैठा हूँ, जो कहोगे जो करूँगा। बोले अच्छे पाँव पकड़ के आए तुम, एक मिनट तक तो ठहरे नहीं अपनी बात पर। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुदाकेशः परन्तप न ज्योत्स्ये इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एक और कहता है मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मुझे ठीक रास्ता बताओ, और फिर बोलता है रास्ता तुम बताओ पर मैं चलूंगा नहीं, न ज्योत्स्ये। इसका नाम हुआ प्रपन्न। ये तो प्रपत्ति का उपहास हो गया कि किसी से कहे कि हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम हमें रास्ता बताओ, लेकिन मैं कमें चलूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम युद्ध छोड़ने को कहोगे तो मैं मान लूंगा, लेकिन युद्ध करने को कहोगे तो नहीं मानूंगा। तब कृष्ण ने डांटा, अच्छी तरह का जा, मैंने सब बात तुझे समझा दी, अब तू सोच ले समझ ले और तेरी जो मर्जी हो सो कर। अर्जुन ने कहा गलती अपनी समझ ली है, अर्जुन ने कहा नहीं जी ऐसी बात नहीं है, वो तो हमने शोक के आवेग में आवेश आता है ना, तो बड़े बड़े लोग महाराज गलत काम करने को उद्यत हो जाते हैं। अच्छा एक बात आपको सुनाते हैं, बदला लेने की वृत्ति जो आपके मन में आती है वो क्रोधावेश में ही आती है, उसमें न सत्य का ज्ञान है, न बुद्धिमत्ता है, न कर्तव्य है। तो इसने हमारे घर से 1 रुपया चुराया है, तो हम इसके घर से 2 रुपया चुरा रहे हैं। वो चोर बना तो हम भी चोर बनेंगे, कहाँ गए हो, दोनों नरक में गए। बदला लेने की वृत्ति में न ज्ञान है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न धर्म है, न आज्ञाकारिता है। देखो आप इसने हमारा ये नुकसान किया तो हम इसका ये नुकसान करेंगे। अरे भाई हमारा हुआ तो हुआ है, हो गया, अब तो हो गया, हम इसको सह लेंगे, लेकिन हमारे सामने वाले का कोई नुकसान न हो। सत्पुरुष के मन में इस तरह की वृत्ति का उदय होता है। लो भाई जब क्रोध आवेश होता है तो मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है। अर्जुन ने कहा तो कावेश में अर्जुन ने कहा न जो थी शोक संविघ्न मानसा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कृपया परया विष्ट आविष्ट है। अर्जुन आविष्ट है और अर्जुन कृपण हो गया है, अर्जुन सम्मूढ़ हो गया है, अर्जुन शोक संविघ्न मानस हो गया है। इसलिए उसने कहा मैंने आविष्ट में कह दिया न जोत इसी, आप हमसे ये मत कहो कि तुम्हें जो समझ में आवे, तुम्हारी जो मर्जी हो, तुम जो चाहो जो करो, हमारी हो स्वतंत्र का वैसे मत बोलो कृष्ण, अब ले लो हम तो अपनी मुट्ठी में, रख दो हमारे सिर पर, हाँ ले दो हमारी पूरी जिम्मेवारी। अरे नहीं नहीं तेरा धर्म तेरी रक्षा करेगा, तुम्हारा धर्म को तो मैं समझता ही नहीं, धर्म हमारी कैसे रक्षा करेगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का तो ज्ञान हमारा अधूरा है। अच्छा भाई जब धर्म का ज्ञान तुम्हारा अधूरा है तो आओ मैं एक बहुत बढ़िया बात सुनाता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
मा सुचः। ओम नमो नारायण।